सर, अरंगी नाम आपके जहन में कैसे आया और इस गाने की आपकी थीम क्या है? सी, दिस इज नॉट जस्ट अ नेम एक्चुअली. जी, मैं आपको अगर बताऊं, इसमें अड़ंगी एक एक्चुअली एक घटना कहो, एक भावना कहो, एक 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 पुकार कहो, एक चीतकार कहो, इसको कुछ भी कहो आप. अड़ंगी बेसिकली एक ऑब्जेक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, जो जब हम अपनी अपनी ज़ाती ज़िंदगियों में किसी चीज़ को, किसी ड्रीम को चेज करने की कोशिश करते हैं, किसी ना किसी शक्ल में कोई ना कोई रुकावट पैदा होती है. वो रुकावट ही अड़ंगी है. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस अड़ंगी सॉन्ग को और इस अड़ंगी को बनाने में भी बहुत ज़्यादा अड़ंगियाँ अड़ी हैं. तो ये इस चीज़ के उस लिहाज से भी इस चीज़ को ये जस्टिफाई अच्छे से करता है. तो अड़ंगी मेरे ख्याल से आप अगर जब सॉन्ग देखेंगे तो आपको लगेगा कि यस, इसके अलावा इसका कोई और नाम हो ही नहीं सकता था. सर, मैं एक क्वेश्चन आपसे मेरा है कि इस समय जब रैपर, बहुत बड़े बड़े रैपर अभी आप देख रहे हैं कि हैं, और बहुत सारे लोग पॉप गा रहे हैं, ऐसे टाइम पे आपने जो सूफी म्यूज़िक की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, ये क्या कारण है? देखिए, इसका तो मैं बहुत ब्रीफ में आपको आंसर करूँगा, क्योंकि सूफिज़म के ऊपर एक बहुत बड़ा लेक्चर, एक डिबेट हो सकता है. लेकिन यस, आज की डेट में हाँ, थोड़ा सा रुझान इस तरीके के कलाकारों की तरफ है. लेकिन उसके पीछे कारण ये है कि वो दिन नहीं रहे अब जब एंटरटेनमेंट को ओरिएंट करके कुछ काम किया जाता था. आज की डेट में कमर्शलाइज्ड सब कुछ हो गया है, और जिस तरीके से आप श्रोताओं को या अपने व्यूवर्स को परोसते हैं चीज़ें, वो उनको मानना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है कि भाई ये चलो हमारा टेस्ट हो गया. जैसे मसलन, मैं एग्जांपल इसको ऐसे बताऊं कि आप सेब खाना चाहते हो, और जब सेब के लिए आप किसी मार्केट में जाते हो तो 10 की 10 जो शॉप्स हैं उस पर सेब की बजाय आपको बेर मिल रहा है, यू नो. तो वो बंदा वहाँ तक पहुँचा है, एफर्ट्स करके आया है, तो उसको ये लगता है कि बेर ही खा लेते हैं. तो आई एम नॉट कंपेयरिंग दिस थिंग विद दैट, बट देन यस, इट इज़ टोटली, इसका अपना जोनर है, इसका अपना अलग हिसाब है, इसके अपने अलग, मैं तो ये भी कहूँगा इसकी अपने अलग लोग कुछ नहीं हैं, बल्कि इसका जो है, इसमें देखेंगे कि सूफिज़म एक जायका है. सूफिज़म एक रैपर भी जब तक कुछ जायका अपनी रैप में नहीं डालता, तो वो मतलब सूफिज़म का इस्तेमाल नहीं करता, तो वो एक सक्सेसफुल रैप नहीं कर सकता. तो मेरे ख्याल से सूफिज़म तो कभी ना मरा है ना मरेगा. जो प्रैक्टिकल है, जो एस्पेक्ट्स हैं आपके, उन चीज़ों को एक सहजता से, सरलता से अगर आप दे पाएँ तो बहुत अच्छी बात है. तो इस लिहाज से मुझे लगता है कि सूफिज़म हैज़ इट्स ओन मार्केट, इट्स हैज़ इट्स ओन लाइक एलिमेंट इन एवरीवन. इट्स नॉट जस्ट दैट कि क्लिशे, कुछ लोग इसको सूफिज़म को सुनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ये सब में कहीं ना कहीं इस चीज़ की दरकार है, और इसको पसंद करते हैं लोग. हम लोगों ने उसका टीज़र देखा है, और हमारे बहुत सारे साथी हैं, उन्होंने सब ने इसका टीज़र देखा है. बहुत उसका कंपोजिशन बहुत अच्छा है, और बहुत सब लोगों को लगता है कि ये कहानी उनसे जुड़ी हुई है. तो कहीं ऐसा तो नहीं ये आपने जो गाना है अपने जीवन पर इसको फिल्मा दिया हो? इसमें डेफिनेटली कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं स्टोरी में जो मेरी ज़ाती ज़िंदगी से, साथ साथ मैं कहूँगा आपकी ज़ाती ज़िंदगी से. जब आप इसको मुकम्मल पूरा देखेंगे, जब ये रिलीज़ होगा, तो आप इस चीज़ पर एक दिन फिर दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप इस चीज़ पर मुहर लगाएंगे कि हाँ, ये हम सबसे रिलेटेड है. ये नॉट जस्ट आपकी कहानी नहीं, ये हमारी कहानी है. क्योंकि हम ऑब्स्ट्रक्शन के लिए बात कर रहे हैं. ऑब्स्ट्रक्शन जिस तरीके से हमारे ड्रीम्स को चेज करने में हमें फील होता है, उसके लिए ये अड़ंगी जो है, उसके ऊपर पूरा थीम इसका बेस्ड है. तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं मेरी भी, और कहीं ना कहीं आपकी भी, और हम सब की ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ, किसी न किसी शक्ल में अड़ंगियाँ अड़ती हैं. ये रीसेंट टीज़र तो हमने भी देखा था, सुना उसके बाद आपको काफ़ी और ऑफर आने लगे हैं. सी, दो चीज़ें हैं इंडस्ट्री में. एक तो काम की बहुत कमी है, और काम का मतलब ये है कि अच्छा काम अगर आप करोगे तो, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका, मेरे श्रोताओं का, मेरे दर्शकों का, कि ये मेहनत जो थोड़ा सा प्रयास हमने किया है उसको पसंद आया है.
ऑफर्स का ऐसा है, ये नोटिस हुआ है, कई अच्छी जगह नोटिस हुआ है और कोशिशें हैं, मिल रहे हैं लोग, कांटेक्ट कर रहे हैं, बट मैं अभी भी यही कहूँगा कि पहले आप गाना देखिए आप, और अभी मैंने इसके ऊपर कुछ कोई डिसीजन नहीं लिया है कौन क्या करेगा, क्योंकि इसकी टोटल जो फील है वो रॉ है। और मैं सच बताऊँ आपको तो हमारे पास तो इसका मार्केटिंग बजट भी नहीं है, तो इसको सोशल प्लेटफॉर्म पर ही हम एक रॉ तरीके से इसको उतार रहे हैं, तो ये जनता के लिए है, जनता में छोड़ देंगे, अब देखेंगे क्या वो डिसाइड करते हैं इसके लिए। सर बहुत अच्छा आपने उसमें म्यूजिक दिया है, तो क्या आप आपके कोई परिवार में वहाँ से आपको शिक्षा मिली या आपने कोई विधिवत इसकी शिक्षा ली है कहीं से? मैं इस चीज़ में थोड़ा सा अलग सोचता हूँ, परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुछ भी कोई चीज़ होती है तो मैं, मेरा मानना ये है कि ये जो कीड़ा होता है ना, ये आप लेकर आते हो, आर्टिस्ट जो है एक लेवल तक पहुंचता है अपनी खुद की इम्प्रोवाइजेशन के लिए, साथ साथ आप किस चीज़ को किस लिहाज से कैसे सुन रहे हो। तो मैंने कोई ऐसे फॉर्मली किसी तरीके की ना, मैं किसी घराने से हूँ, मैं तो एक बहुत छोटा सा आदमी हूँ और मैं इस तरीके की कोई मेरे पास एजुकेशन का मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तालीम नहीं है किसी भी इस तरीके की मौसीकी की या संगीत की, लेकिन यह है कि जिस दिन से मैंने होश संभाला है, जिस दिन से मैं अपने अपने आप को समझने लगा हूँ, उस चीज़ में मेरा ना सिर्फ हल्का सा जुड़ाव है बल्कि मैं, मुझे लगता है कि दिस इज़ आई थिंक द थिंग, दिस इज़ माई लाइफ एक्चुअली। और उसी को घड़ते हुए सोचते हुए, टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बताऊँ, बहुत टाइम लगता है इस चीज़ में वहाँ तक पहुँचने में। मैंने गाना 2014 में लिखा था और इसकी धुन तैयार होते हुए, इस प्रोडक्ट तक पहुँचते हुए आज 2018 आ गया है। तो बस ये है कि तालीम तो कोई ऐसी फॉर्मली हासिल नहीं की, लेकिन ये है कि जिस तरीके से म्यूज़िक आप लोगों ने भी पसंद किया है, तो एक प्रोफेशनल आज की इंडस्ट्री में कहें तो आई थिंक, और कितने ऐसे मसले, कितने ऐसे एग्जांपल्स हैं आपके आसपास, किशोर कुमार साहब थे, उन्होंने कभी किसी चीज़ की इस तरीके की कोई फॉर्मल तालीम नहीं ली, आज की डेट में भी हाँ कुछ, जैसे अरिजीत सिंह है, उन्होंने भी कोई इस तरीके की तालीम नहीं ली। और क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप अगर किसी चीज़ को पॉलिश करके अगर स्टार बना सकते हो, तो मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री में या आजकल की इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है, उस पैसे को खर्च करके वो बहुत बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं, अगर उनके अंदर वो पॉलिशिंग करके उनको वहां तक पहुंचाया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि जो बेसिक रीड की हड्डी, जो कीड़ा है, वो ज़्यादा मैटर करता है, जिसको कंटेंट हम कह सकते हैं। एक छोटा सा पर्सनल सवाल है कि इसकी कॉस्ट कितनी आई है, कुछ बता सकते हैं? कॉस्टिंग का तो ऐसा है, इसमें अच्छा खासा हमने काम करने की कोशिश करी और क्या पूछेंगे कॉस्टिंग का, तो एक छोटा मोटा मकान किसी का आ सकता है कॉस्टिंग का। तो एक सवाल कि आपका कह रहे थे रॉ डेटा है, सोशल मीडिया में रिलीज कर रहे हैं, तो अगर इसका सक्सेसफुल काफी रहा तो आपका आगे का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा, टू कीप सूफी विद इन इट? या सर देखिए, ये जो है मैं ये एक फ्यूजन है एक्चुअली, और बात दरअसल ये है कि देखो, फेम तो किसको पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में मेरे अंदर कोई इस तरीके की अगर सिंपल कोर फेम या कमर्शलाइज्ड चीज़ें होती तो मैं बहुत दूसरे तरीके के गाने भी गा के आराम से इस चीज़ को वहाँ तक पहुँच सकता था। तो मैंने जितना टाइम इसके ऊपर लगाया है, जितनी मेहनत से मैंने इसको तैयार किया है, हमारी पूरी टीम ने इसको तैयार किया है, तो अब उतनी ही मेहनत से हम लोगों तक ये पहुँचाना चाहते हैं। लोगों को पसंद आया जो कि आ रहा है, जितना कि जिस भी तरीके से टेस्ट मार्केटिंग हुआ है इसका, टीज़र को ले लीजिए, तो आगे भी उनके लिए हम काम करेंगे, बिल्कुल ज़रूर काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे। आपका जो प्यार है वो वही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। विल श्योरली लाइक, देखते हैं कहाँ तक क्या किस्मत में लिखा है। लास्ट में हमारे जो दर्शक हैं उनको आप डेट बता दीजिए, रिलीज डेट कब है, और कुछ इसका मुखड़ा हमें सुना दीजिए प्लीज। चलो, इसका दरअसल मुखड़ा तो बेहतर होगा आप उसमें सुने, लेकिन फ्राइडे को ये रिलीज हो रहा है और ये बहुत खूबसूरत बन पड़ा है, जैसा कि आप सब लोगों का इसका थोड़ा बहुत जो आपने टीजर के ऊपर देखा है, एंड आई कैन गारंटी जो टीजर में आपको पसंद आया उससे कहीं बेहतर, कई गुना ज़्यादा, क्योंकि उसमें कई चीज़ें शामिल हैं
एक स्क्रिप्ट है प्रॉपर, 4.5 मिनट का ये सॉन्ग है, उसमें एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट बहुत खूबसूरती के साथ मेरे कैमरामैन ने इसमें डाली है, जो जो मैंने कहा एग्जैक्टली उसी एंगल से और उसी चीज़ से, मतलब बहुत मेहनत से हमने इस चीज़ को तैयार किया है। और इसके जो बोल हैं वो अड़ंगी का है, और वही आप सुनेंगे, मत डाल अड़ंगी, जी लेने दे जिंदगी, बस एक ही मिली नहीं और तसल्ली। ये भी मैं गा के इसको थोड़ा गा के सुनाइए सर प्लीज। मत डाल अड़ंगी, जी लेने दे जिंदगी, हो मत डाल अड़ंगी, जी लेने दे जिंदगी, बस एक ही मिली नहीं और तसल्ली हो। बाकी आप जब लॉन्च होगा, पूरा रिलीज हो जाएगा फ्राइडे तक, तब आप इसको सुनिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके रिलीज डेट की, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल ऑल्सो पंक फेसर, और अड़ंगी आप टाइप करेंगे तो आपको आप वहाँ पहुँच जाएंगे। दिस इज माई चैनल पंक फेसर यूट्यूब चैनल, और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए।